हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन क्रू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई लोग, संडे को हुए डबल हेडर मुकाबले जितने इंपॉर्टेंस रखते थे, शायद उतनी इंपॉर्टेंस मंडे का मुकाबला ना रखे। भाई क्वालिफाइंग सिनेरियो की दृष्टिकोण से देखते हुए शायद उतना इंपॉर्टेंस ना रखे, क्योंकि एक तरफ है गुजरात टाइटंस, दूसरी ओर है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भाई कहानी बदल सकती है। कोलकाता इस मुकाबले को हार भी सकती है, भले ही केकेआर बनी है वो पहली टीम जिसने भाई प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया हो, लेकिन यहां पर भाई गुजरात ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज करी है अभी अपने पिछले मुकाबले में। तो वही भाई कहेंगे आप कि केकेआर ने भी तो एमआई को हराया है और क्वालिफाई कर चुकी है, और यही है वो बात जो कि इस मुकाबले को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, और देखेंगे वेन्यू का एनालिसिस क्या कहता है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है, और कौन से ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, और ये सभी स्टैट्स के साथ साथ आपसे पूछे जाएंगे आईपीएल बोनेंजा के सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। यानी कि भाई स्टैट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ भाई कैश प्राइस जीतने का सुनहरा मौका भी आपके पास है। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की वेन्यू के साथ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है। 6 मैचेस ऑलरेडी इस ट्रैक पर खेले जा चुके हैं, 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 4 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर भाई जीटी ने बना लिया है 231 रन, और लोएस्ट स्कोर कोइंसिडेंटली गुजरात का ही है 89 रन फॉर 10 विकेट्स। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, इन 6 मैचेस में भाई पहली इनिंग्स के स्कोर्स क्या रहे हैं, और यहां पर आप साफ देख सकते हो गुजरात ने कई दफे पहले बल्लेबाजी करी है। मुंबई के खिलाफ 168 रन बनाए थे, एसआरएस ने 162 रन बनाए थे जीटी के खिलाफ, उसके बाद लगातार भाई 199 रन वर्सेस पंजाब, 89 रन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, 200 वर्सेस आरसीबी एंड 231 वर्सेस सीएसके, ये हमें देखने को मिला है। अब ये तो हुई बात बल्लेबाजों के परिपेक्ष से, बॉलर्स का प्रदर्शन क्या कहता है आइए उस पर गौर करते हैं। भाई आईपीएल 2024 में हुए 6 मुकाबलों में 62 विकेट चटकाए गए, 43 विकेट पेसर्स ने और 19 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे। ये है पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का। अब बढ़ते हैं आगे और हेड टू हेड कंपैरिजन पे फोकस करते हैं। भाई गुजरात और कोलकाता दोनों के बीच अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं इस सीजन में, पहली दफे दोनों टीम आमने सामने होंगी। 3 मैचेस में 2 दफे गुजरात ने जीत दर्ज करी है और एकमात्र मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम रहा है। लेकिन ये जो स्टैट्स है ये पुरानी गाथा गाते हैं, करंट कंडीशन तो हमें साफ तौर पर पता है। भाई केकेआर टॉप कर चुकी है पॉइंट्स टेबल में और गुजरात अभी भी सफर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भैया आईपीएल बोनेंजा का जो पहला सवाल मैं आपके समक्ष दाग रहा हूं वो है कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा। ये है आपके आईपीएल बोनेंजा का पहला सवाल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। गुजरात की ओर से भाई हमें साई सुदर्शन शुभमन गिल की जोड़ी देखने को मिलेगी इन द टॉप ऑर्डर, शाहरुख खान का प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है अलोंग विद डेविड मिलर इन द मिडिल ऑर्डर, और मैथ्यू वेट, राहुल देवतिया, राशिद खान, नूर अहमद और साथ ही साथ उमेश यादव, मोहित, कार्तिक त्यागी और संदीप वॉरियर के ऑप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इंप्रेसिव बात यह है कि मुकाबला या फिर कहें सीजन खत्म होते होते साई सुदर्शन के बल्ले से एक सेंचुरी निकल आई है। भाई 12 मैचेस में इन्होंने 527 रन बनाए हैं, लीडिंग रन स्कोरर हैं, 141 का स्ट्राइक रेट है, और इन्हें सपोर्ट मिलता है शुभमन गिल की ओर से जिनके खाते में भी सेंचुरी लगी थी सीएसके के खिलाफ। टोटल 426 रन है इन 12 मैचेस और 147 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तो हो गए हमारे टॉप ऑर्डर के 2 धाकड़ बल्लेबाज। अब इनके अलावा हमेशा से अगर फोकस रहा है तो वो है मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर पर, जो कि 9 मैचेस में 210 रन बना चुके हैं 151 के स्ट्राइक रेट से। अब एक बार फिर लाइनअप पे आप नजर डालिए, शाहरुख खान, मैथ्यू वेड, राहुल देवतिया, राशिद खान ऐसे बल्लेबाज हैं या कहें ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बल्लेबाजी करने की कुव्वत रखते हैं। राशिद खान की तौर पर भी अगर आप देखें तो लोअर ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट दिखाई देती है, बट कितनी कारगर साबित हो सकती है, कितनी कंसिस्टेंट रहेगी, ये कहना तो मुश्किल है। यहीं पर अगर गेंदबाजी की बात करी जाए तो बल्लेबाजी में ना सही राशिद खान ने 10 विकेट तो चटकाए हैं और आपके की प्लेयर्स की दृष्टिकोण से भी कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ मोहित शर्मा और उमेश यादव भी आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां 13 और 8 विकेट दोनों खिलाड़ियों ने चटकाए हैं। तो ये होती है बात भाई गुजरात टाइटंस की। भाई लोग आईपीएल बोनेंजा का यहां पर दूसरा सवाल आ जाता है आपके सामने, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा, जिसकी होगी सबसे बेस्ट इकोनॉमी। अगर मान लीजिए 2 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लिए हैं जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो उसमें से जिसकी इकोनॉमी बेस्ट होगी वही होगा आपका सही जवाब। इनके ओपोनेंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स पे भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। भैया कहानी बहुत संक्षिप्त में बताई जाएगी। फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, 2 धाकड़ खिलाड़ी जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, खेलते नजर आ सकते हैं। 12 मैचेस में 15 विकेट सुनील नारायण ने चटकाए हैं और 461 रन है। साथ ही साथ इन्हें सपोर्ट मिलता है फिलिप सॉल्ट का, जैसे कि मैंने कहा 12 मैचेस में 435 रन। कंसिस्टेंट खिलाड़ी के तौर पर आप श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं, कप्तान है टीम के, 12 मैचेस में 287 रन बनाए हैं इन्होंने। ये तो हुए 3 बल्लेबाज, फटाफट
फटाफट से अगर आप लाइनअप पे नजर डालेंगे तो आपको ऑप्शन मिलते हैं वेंकटेश, रिंकू, नीतीश राणा, आंद्रे रसल का, और ये सभी खिलाड़ी भाई वी ऑल नो बड़ी हिटिंग कर सकते हैं और टीम के पास बैटिंग लाइनअप की भरमार है। वहीं गेंदबाजों की अगर आप बात करते हैं तो सुनील नारायण के तो चर्चे हो ही चुके हैं, इनके अलावा हर्षित राणा 16 विकेट चटका चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती ने 18 विकेट लिए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स भाई गौतम गंभीर के संरक्षण में या फिर कहें उनकी गाइडेंस में तबाही मचाती हुई नजर आ रही है। और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भाई डेफिनेटली केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन गुजरात कहीं ना कहीं भाई अगर आप स्पाइस अप चीजों को थोड़ा सा स्पाइस अप करना चाहे तो लगता है कि भैया स्क्रिप्टिंग जो है वो गुजरात के फेवर में भी जा सकती है। जाते जाते आईपीएल बोनांजा का तीसरा सवाल आपके समक्ष दाग देता हूं, भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा चौके और छक्के कौन सा बल्लेबाज लगाएगा, यह आपके आईपीएल बोनांजा का तीसरा सवाल। तो ये था दोस्तों पूरा मैच का एनालिसिस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आप सीएलजी की कोई भी वीडियो मिस ना करें।